सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं ने की कलेक्टर और एसपी से मुलाकात। कोविड 19 संक्रमण में प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने की जताई इच्छा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, बीसीए बीबीए फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर तले धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से अलग अलग मुलाकात कर कोरोना संक्रमण से आमजन की सुरक्षा करने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही और इस पर विस्तार से चर्चा भी की। इस मौके पर संघ द्वारा बनाया गया एक वीडियो मैसेज की पेन ड्राइव भी कलेक्टर और एसपी को भेंट की गई। धर्मगुरुओं ने जिला कलेक्टर और एसपी का शॉल माला पहनाकर स्वागत और सम्मान भी किया। इस मौके पर दरगाह से जुड़े खुद्दाम और दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसीरुद्दीन, राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज, चित्रकूट धाम पुष्कर के संत पाठक महाराज, संन्यास आश्रम के स्वामी शिव कृपानंद और ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ ही धार्मिक संस्थाओं के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखकर कोरोना से आम जन को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की। आज अजमेर में हमारी एक जो सर्वधर्म मैत्री संघ संस्थान चल रही है उसमें सभी धर्म गुरु एकत्रित हो गए, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मिले और हमने उनकी प्रयासों को भी सराहा। उसके उपरांत धर्म का क्या रोल हो सकता है इस कोविड 19 की लड़ाई में, उसके लिए हमने चर्चा करी। नो मास्क नो एंट्री सबसे प्रथम है। मास्क एकमात्र वैक्सीन है इस कोविड का इस समय, इसलिए हमने हमारे धार्मिक संस्थाओं में भी सब जगह पर निर्णय किया है कि बिना मास्क मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। हाथ अपना साफ करो, वो जो जो गाइडलाइन है उसकी एक पेन ड्राइव बनाई है मैसेज में, वो हमने कलेक्टर साहब एसपी साहब को दी है ताकि वो लोगों तक पहुंचे और एक अवेयरनेस आए। बस यही हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और बहुत सारी बातें हुई एसपी साहब के साथ, धीरे धीरे हम लोग जागरूकता के अभियान में उसको सम्मिलित कर लेंगे। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित नो मास्क नो एंट्री के अभियान के तहत आज हम सब सर्वधर्म मैत्री संघ के लोग, विशेष रूप से जो हमारा कोर ग्रुप है जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख हैं, वो लोग आज यहाँ जिला प्रशासन में माननीय सम्मानीय कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिलने आए और जो इस अभियान के अंदर हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं या फिर प्रशासन हमें किसी प्रकार की गाइडलाइन देना चाहती है इस अभियान को बहुत अच्छा जागरूक बनाने के लिए, तो उसको हम करने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पे आए थे। और आज उसी क्रम में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं विशेष, उनके द्वारा एक अपील जो कि की गई है शहरवासियों के लिए कि नो मास्क नो एंट्री के तहत आपके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क को व्यवस्थित रूप से लगाएं और मास्क ही आपकी दवा है। मास्क अभी क्योंकि मास्क का कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो अपील का एक वीडियो बना करके हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को महोदय को दिया और गुजारिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों तक ये बात हमारी पहुँच सके सभी धर्मों के, इसलिए हम आज यहाँ शामिल हुए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ एक संगठन के बैनर तले तमाम जितने मज़हब के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मुलाकात की है। इस मौके पे हम लोगों ने एक जो वीडियो बनाया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चलाया है कोरोना वायरस कोविड 19 को लेके, नो मास्क नो एंट्री को लेके, उस वीडियो को हमने एक पेन ड्राइव की शक्ल में कलेक्टर साहब को दिया है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हमारा मानना यह है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि वैक्सीन तो इसकी है नहीं, इसका एकमात्र उपाय यह है कि हम जितने भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें, उसमें सबसे अहम है कि मास्क। तो मास्क के लिए हम धर्मगुरुओं के द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सार्वजनिक रूप से जितनी कोशिश हो सके कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक मास्क को जब भी हम बाहर घर से निकलें, और हम चाहते हैं कि घर में भी यदि अगर हम लोग सामूहिक रूप से बैठ रहे हैं तो उसका भी मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, कि जहाँ पर भी धार्मिक लोगों की, धार्मिक संस्थाओं की ज़रूरत है, चाहे वो कोविड 19 हो, उसके अलावा अदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें अगर हमारी ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए हाजिर हैं। हमेशा काम किया है, हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं होती हैं, तो धार्मिक रूप से जो अपील और जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो ज़्यादा लोगों पर इफेक्ट करती है, हमारा मानना ही है। इसी संदर्भ में हम लोग मुलाकात की थी, आगे भी मुलाकात इसमें करते रहेंगे।